काफी पीड़ा भोगतनी अपन अपन व्यक्त बताई। हमने के पानी में ना सब धान जरता, हमने के कोनो साधन नहीं है, कोनो छानबीन बाढ़ में पहले गल गई धान, ओकरा बाद विषय में बिया से कनो छानबीन क के खोज खाज के रोप गई, पानी के कोनो सुविधा नहीं है। अब पानी बगैर हम तरह तरह आदमी ले लबा, एबर कोनो विशेष बात नहीं है, सब धान हमने के जरता धनकता, एबर कोनो उपाय विशेष बात नहीं, हमने के का करी तो का दई तो खेत गाड़ी पर जाए तो झोंकल जाता, झोंकल जाता, खाद भी नहीं मिलत, तो विषय में सामान मिलत, कोनो सामान भी नहीं मिलत, हमने के सब कोई का दुख भाई हमारा आदमी के खेत के आदमी को रोक आदमी आवत खादो मिलत रोल लतार कर खेत और गइले पुरन करे नेपाल में नहीं खाद मिलत है, इंडिया से पानी होते नहीं है, कौन रोपल बल बतन जोर गई इंडिया से आवत है खाद पानी तो पूरी से बरसात रोकता घेरता आही नहीं के दे तो चोरा के इंडिया के लोग चोरा के लिया होता तो पुलिस छीन लेता पैसा को 200 100 वही में रोक रोक नेपाल का पुलिस इंडिया पुलिस कुछ वही से कुछ हमने के साथ नहीं के चार ओर से हमने के दुख बात है सब बहुत दुख बात कौन सी स्थिति में रही या कर या धरी बहुत किसान लोग के बहुत पीड़ा बा, बहुत पीड़ा में छुप बा लोग, आत्मा रोता, खेत में धान ए साल आई कि ना आई, दीपावली कैसे बीती, छठ कैसे हुई, महान पर्व हिंदू लोग के पर्व हुए, अब दशहरी भादो के बाद से दशहरा के बाद असूज के बाद से पर्वे पर्व शुरू हो जाला, जौना बेरा में घर में खाद्यान्न अगर भंडारण नहीं है तो बाल बच्चा खैला बिना मरी, घर में कोनो खुशियाली महसूस ना हुई, कोनो पर्व के उत्साह मन में महसूस ना हुई, कपड़ा कहाँ से किनाई, घर में भोजन कहाँ से हुई, दिया कथी से बराई, छठ के सामान कथी से किनाई, इस सब के पीड़ा में किसान लोग बहुत चिंतित बा। अच्छा अपने लोग एक आदमी में से बताएं, गांव पालिका में स्थानीय तो हमें कोनो किस्म के अपन खेत के समस्या, पानी नहीं के, खाद नहीं के, कोनो व्यक्त कैले बा इन लोगन जाके कि एक आदमी बताई तो वार्ड अध्यक्ष लोग मैंने वोट के बेरा तो चाहे गाँव पालिका सब नेता लोग वोट के बेरा घरे घरे घूमे ला, ए बेरा पानी खेत में नहीं ए बेरा केहू नहीं घूम जनता का 2022 का महीना वोट बरसात आया ना, ए बेरा केहू नहीं के देखे जो गरीब के का होता खेत पाटा था कि नहीं पाटा था, कहना विकास ता होता लूट पीट के घर में ध लेता अपन बाल बच्चा खाता, दोसर जनता मरो मरो कोनो मतलब नहीं है, जीतौला के वो फल मिलता जनता के का अब रात उत में भेंट करे किसान लोग से, रात के चोरा जो अपने हित काय के ले चल जाते हो ना, गरीब का चावरो मिलत ला चोरा के ले जा रात के घर में होता धनी के लोग का मिलल बा गरीब के मिल ले ली कुल में 10 बरो बड़ा आइल 50 बरो चोरा के धइल बा, रात के चोरा चोरा ले जाल जा घर 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 के पुगाओ जे हमर है हित हो हमर एसी जाऊंगे उनका घर दिया था जनता कोई पूछत नहीं के जरा घर में पानी डुगल बा ओकरा घर में त गरीब मिलले नहीं के घर में नहीं पानी डुकल सब कुछ भरल बा नदी में, नदी में पानी ना लखो ना का पानी तो सोजा वाला बगुआ नदी में नहर का पानी। दर्शक वृंद, अभी हमने के परसा जिला के ग्रामीण क्षेत्र के किसान लोग के अवस्था का बा, खेती पाती के अवस्था का बा, खाद मल के तरह से मिलता नहीं खे मिलत, इस सब विषय पर परसा जिला के ग्रामीण इलाका और भारत के बॉर्डर के नजीक रहल गाँव में हमने के टोली आयल बा, तो कुछ किसान लोग से हमने के किसान के समस्या के बारे में हमने के पूछे जा रहा मनीष, वही तरह आई किसान के हम एगो किसान आयल बानी सामने, अपन दुख पीड़ा व्यक्त कर रहा बानी, आई वहाँ के पहले स्वागत कर ला, स्वागत बैठे अपने के, अपने के नाम कथी पड़ल, घर कहाँ पड़ी? रमेश प्रसाद। घर कहाँ पड़ी अपने का? ये कौन जगह में बानी सब? श्यामपुर भेला। हाँ कौन गांव पालिका है, वार्ड नंबर कितना है? पका मैनपुर गांव पालिका है, वार्ड नंबर 4। तो ये अपने लोगों का खेत में जहाँ बानी खड़ा, यहाँ कथी दिक्कत बा, का समस्या बा, कुछ बताई तो खेत में का दिक्कत बा? कथी कथी पानी के दिक्कत बा, बोरिंग के उतना साधने नहीं है, खाद पानी यहाँ मिलते नहीं है, इंडिया से खाद खींच गाज के लिए कहीं तला वाला करके छिटल जाता है, सब नेपाल में हमको व्यवस्था चाहिए। खेत में केना काथी, खेत में देखाई तो खेत में जेने कहां कथी काथी माने भइल बटे आज में फाटल है, डाल फाटल बैसो ई
सब दरार फाट फाट गेलो पानी बेगर देखल जाओ ना। खेत के ई अवस्था बाटे कि खेत सब में पानी के बिना सब में दरार फाट फाट गेल बड़ सन। वहीं पानी के स्रोत भी नहीं है, आसपास में दमकल नहीं है, नदी में पानी नहीं है, नहर के द्वारा कोनो सप्लाई नहीं है, जौना के चलते खेत में पानी नहीं है, किसान एकदम बेहाल अवस्था में बाटे। एकरा के खोजबीन करे वाला निकाय भी इस सब में सुस्त बा। किसान के तरह खुशी रही, किसान के तरह सुखी रही, वो विषय